Welcome back. Now starting with antipsychotic agents. एंटीसाइकोटिक एजेंट्स जो हैं इनको न्यूरोलेप्टिक्स भी बोला जाता है, ऑल्सो नोन एज न्यूरोलेप्टिक्स या मेजर ट्रैंक्यूलाइजर्स। अब जो ये ग्रुप ऑफ ड्रग है एंटीसाइकोटिक ड्रग्स या एंटीसाइकोटिक एजेंट्स बोलो, इनका जो मेजर क्लिनिकल यूज है दैट इज इन द ट्रीटमेंट ऑफ साइकोसिस। आप लोगों ने तो साइकेट्रिक डिजीजेस एंड डिसऑर्डर्स पढ़े होंगे, व्हाट इज साइकोसिस, यू नो इट। तो अब जो एंटीसाइकोटिक एजेंट्स है इनका अगर हम मेजर क्लिनिकल यूज़ देखें कि कहाँ पे हम इनको इस्तेमाल करते हैं ज़्यादा तौर पर, तो वो है साइकोसिस में, दोज पेशेंट्स हु आर सफरिंग फ्रॉम साइकोसिस। तो अब मैं आपके लिए रिपीट करूँ, ये साइकोसिस क्या होता है। साइकोसिस वो स्टेट है जिसमें एक बंदा एबल नहीं होता है टू रिकॉग्नाइज रियलिटी टू कम्युनिकेशन, इन विच अ पर्सन्स एबिलिटी टू रिकॉग्नाइज रियलिटी टू कम्युनिकेशन एंड टू रिलेट अदर्स इज सीवियरली इम्पेयर्ड। अब अगर हम इंडिकेशंस ऑफ यूज देखें साइकोटिक ड्रग्स के कि हम इसको किन किन कंडीशंस में और यूज कर सकते हैं, तो एंटीसाइकोटिक एजेंट्स जो हैं दीज आर यूज्ड इन फॉलोइंग कंडीशंस। व्हाट आर दोज? Number one is schizophrenic disorders. Yeah, schizophrenic disorder bolo. Next is paranoid disorder. Next, mania disorder. Next, organic dementia. Next is acute brain syndrome. Disease and disorders आपने पढ़ी हैं। तो अगर कोई बंदा schizophrenic disorder से शिकार है या paranoid disorder है, किसी को mania है, organic dementia है या acute brain syndrome है, तो इन conditions में हम antipsychotic agents का इस्तेमाल कर सकते हैं। Now what is the mode of action of the antipsychotic agents? Because pharmacology में हम सिर्फ drugs को नहीं पढ़ते हैं, हम उसका mode of action पढ़ते हैं, हम उसके contraindications पढ़ते हैं, complications पढ़ते हैं, indications पढ़ते हैं। तो अब in the same way here we are reading, studying about the drugs used in psychiatric disorders. तो अब mode of action क्या है antipsychotic agents का? एंटीसाइकोटिक एजेंट्स जो हैं इनमें ये देखा गया जब ये किसी बंदे को दिए जाते हैं तो इसका मोड ऑफ एक्शन क्या होता है। इट ब्लॉक्स द डोपामाइन रिसेप्टर्स। ये डोपामाइन क्या होता है? ये डोपामाइन जो है इट्स अ केमिकल, यू नो, जो रिलीज होता है ब्रेन में, ठीक है,
डोपामीन इज अ केमिकल विच इज यूज्ड सॉरी रिलीज्ड इन द ब्रेन, और यही डोपामीन जो है इट कॉजेज साइकोटिक थिंकिंग, क्लियर। अब अगर इंक्रीज्ड प्रोडक्शन में डोपामीन रिलीज हो गया या डोपामीन ट्रांसमिट हो गया, ठीक है, तो इन द इंक्रीज्ड कंडीशंस डोपामीन जो है ये ट्रांसमिट करता है नर्व इम्पल्सेस कहाँ की ओर, ब्रेन स्टम की ओर, फास्टर देन नॉर्मल, इजंट इट, इन इंक्रीज्ड कंडीशंस या इंक्रीज्ड डोपामीन जब होगा तो यहाँ पे ट्रांसमिट हो जाएंगे नर्व इम्पल्सेस ब्रेन स्टम की ओर, मगर ज्यादा तादाद में, फास्टर देन द नॉर्मल। अब अगर ये कंडीशन हो गई कि इंक्रीज्ड कंडीशंस में डोपामिन रिलीज हो रहा है ब्रेन में, ठीक है, तो इससे क्या हो जाएगा, दिस रिजल्ट्स इन द स्ट्रेंज थॉट्स, फॉर एग्जांपल हेलुसिनेशंस हो जाएंगे। तो अब इस चीज को रोकने के लिए हम एंटीसाइकोटिक एजेंट्स का यूज करते हैं और डोपामीन को ब्लॉक कर देते हैं, ठीक है, और उससे क्या होगा, एक्टिविटी जो है डोपामीन की वो रिड्यूस हो जाएगी, प्लस कभी कभार हम हिकअप्स में भी इसको, हिचकियां जिसे कहते हैं, वहां पे भी हम एंटीसाइकोटिक एजेंट्स यूज कर सकते हैं। नो, व्हाट आर द साइड इफेक्ट्स ऑफ द एंटीसाइकोटिक एजेंट्स, अगर हम साइड इफेक्ट्स की ओर नजर दें, फर्स्ट ऑफ ऑल सेंट्रल नर्वस सिस्टम का देखेंगे हम, तो सेंट्रल नर्वस सिस्टम में मोटर रेस्टलेसनेस हो जाता है, पार्किंसोनिज्म हो जाता है या डिस्टोनिया, डिस्टोनिया भी बोल सकते हो। नेक्स्ट न्यूरोलेप्टिक मैलिग्नेंट सिंड्रोम, अगर हम ऑटोनॉमस नर्वस सिस्टम की बात करें तो ड्राई माउथ, ब्लर्ड विजन, कॉन्स्टिपेशन एंड यूरिनरी रेजिस्टेंस। नेक्स्ट कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम में क्या हो जाता है, टैकीकार्डिया, ऑर्थोस्टैटिक हाइपोटेंशन, एंड रिवर्सल एरिथमियाज। नेक्स्ट अगर हम ब्लड की बात करें, साइड इफेक्ट्स इन ब्लड, तो ब्लड में ए ग्रैन्यूलो साइटोसिस, नेक्स्ट इज लिक्यूपीनिया, नेक्स्ट ल्यूकोसाइटोसिस। अगर एंडोक्राइन सिस्टम की बात करें मेंस्ट्रुअल इरेगुलेटरीज, नेक्स्ट इज फॉल्स पॉजिटिव प्रेगनेंसी टेस्ट, नेक्स्ट ब्रेस्ट इनलार्जमेंट एंड वेट गेन।
these were the side effects. So moving towards contraindications, एंटीसाइकोटिक एजेंट्स जो है दीज आर कंट्राइंडिकेटेड इन चिल्ड्रन लेस देन 3 ईयर्स ऑफ एज. अब इसके बाद नर्सिंग मैनेजमेंट आ जाता है फॉर एंटीसाइकोटिक एजेंट्स. तो नर्सिंग मैनेजमेंट में हम नर्सेस केयर देते हैं. फॉर एग्जाम्पल अगर ड्राई माउथ है तो ड्राई माउथ के लिए आप लोग क्या करोगे? ड्राई माउथ विल बी रिड्यूस्ड. हम पेशेंट को एडवाइस करेंगे, एनकरेज करेंगे कि वो अपने माउथ को या अपने मुंह को हमेशा मॉइस्चराइज्ड रखे, ठीक है? या टेल हिम टू टेक फ्रीक्वेंटली वाटर या पीस ऑफ लेमन प्लस वी कैन से हिम टू च्यू गम प्लस गुड ओरल हाइजीन. नेक्स्ट हम पेशेंट को एडवाइस करेंगे फॉर मेनस्ट्रुअल हाइजीन, ठीक है? हम देखेंगे कि पेशेंट अगर कंप्लेन कर रहा है अबाउट फीवर, जॉन्डिस, अपर एब्डोमिनल पेन या नौशिया फील हो रहा है उसको, तो ये नर्स की रिस्पॉन्सिबिलिटी है. शी शुड स्टॉप द मेडिकेशन एंड शी शुड इमिडिएटली इन्फॉर्म द डॉक्टर, ठीक है? अब प्लस हम और पेशेंट को एडवाइस क्या करेंगे? नॉट टू स्टॉप द मेडिकेशन स्टिल ही और शी इज नॉट एडवाइज्ड बाय हर पर्टिकुलर जो उसका अपना प्रिस्क्राइब डॉक्टर है, वो जब तक उसको ड्रग्स को स्टॉप करना ना बोले तब तक वो खुद अपनी मर्जी से ड्रग स्टॉपेज नहीं करेंगे. प्लस अगर किसी को वेट गेन हो रहा है ड्यू टू एंटीसाइकोटिक एजेंट्स, शी शुड मेंटेन द रिकॉर्ड ऑफ द वेट ऑफ द पेशेंट एंड शी शुड एनकरेज द पेशेंट टू टेक लो साल्ट डाइट प्लस प्लांट कैलोरी डाइट, ठीक है? और वो इनटेक आउटपुट चार्ट जो है, इनपुट आउटपुट चार्ट शुड बी मेंटेन्ड. दिस वाज ऑल अबाउट एंटीसाइकोटिक एजेंट.